ठीक रखो, आवाज़ तो उसका तुम्हारा आवाज़ नहीं सुनाई देगा, बहुत धीरे बोली हो। हाँ जी चलो, तो बताइए वॉइस कितने तरह का होता है, कौन कौन से? अच्छा, तो अगर क्वेश्चन में भी वन हो तो क्या करेंगे, और अगर भी टू हो तो क्या करेंगे, और भी फोर हो तब क्या करेंगे, बींग का प्रयोग करेंगे, और हैज हैव हो तो क्या करेंगे, हैज हैव हो तो क्या करेंगे, बींग का प्रयोग करेंगे, हैज हैव हो तो बीन लगाएंगे, बी डबल ई एन। अच्छा बताइए, सबसे लास्ट में सब्जेक्ट को किस में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, आई को किस में बदलेंगे, वी को किस में बदलेंगे, ही को किस में बदलेंगे, ही में, और शी को, राम को किस में बदलेंगे, हाँ राम को नहीं बदलेंगे, वैसा ही रह जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। बताइए वॉइस कितने तरह का होता है, दो तरह के होते हैं वॉइस, कौन कौन से? पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो बताइए कि क्वेश्चन में भी वन हो तो क्या करेंगे, इस एम आर का यूज करते हैं, और अगर क्वेश्चन में भी टू हो तो क्या करेंगे, भी टू हो तो वाज वर का यूज करते हैं, अगर क्वेश्चन में हैज हैव हुआ तो क्या करेंगे, बीन का यूज करेंगे, अगर भी फोर हुआ तो क्या करेंगे, और हैज हैव हुआ तो बीन करते हैं। दोनों सुनाई एक ही जैसा दे रहा है आपका वर्ड, बींग और बीन में फर्क नहीं आता है। चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए कि आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, इसको पैसिव में बदलिए, मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, सी रोट ए लेटर, सी रोट ए लेटर, इसको पैसिव में बदलिए, फिर से शुरू से फिर से बोलिए एक बार, ठीक है। आप इसमें एक चीज बताइए हमको कि वाज का यूज क्यों किए, भी टू था, चलिए ठीक है, बहुत पैसिव में आई। आप पहले बताइए स्पीक का भी थ्री क्या होगा, स्पोकन, ठीक, आई स्पीक हिंदी, इसका पैसिव क्या बनेगा, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक हिंदी, भी वन का यूज हुआ है इसमें, हिंदी इज स्पोकन बाय मी। अगर क्वेश्चन ये रहे कि आई एम स्पीकिंग हिंदी तो कैसे बनाएंगे, चलिए ठीक है बहुत अच्छा। बस आखिरी क्वेश्चन बताइए, सब्जेक्ट को लास्ट में किस में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। चलिए बताइए वॉइस कितने तरह का होता है, कौन कौन से? अब चलिए, अगर क्वेश्चन में भी वन हो तो क्या करते हैं, अगर भी टू हो तो क्या करते हैं, और हैज हैव हो तो बीन का करते हैं, और भी फोर हो तो बींग का प्रयोग करते हैं, कभी कभी मुझे बेंग सुनाई देता है। ठीक है जी, आप बताइए, आपको पैसिव में बदलना, ओके, आई एम ईटिंग राइस, इसका पैसिव, राइस इज बींग मी। चलिए ठीक है बहुत, चलिए आपने वॉइस पढ़ा है, आप खुद से बताइए वॉइस के बारे में कुछ कुछ, जैसे कितने प्रकार का होता है, इसमें क्या करते हैं बदलाव, खुद से कुछ क्वेश्चन बताइए। एक्टिव वॉइस और इवॉल्व, पैसिव में बीजे मार का प्रयोग करते हैं,
बहुत अच्छा। एक्टिव वॉइस में भी टू हो, वन वर्ड का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा। बी थ्री हो, हैज हैव के साथ बी का प्रयोग करते हैं। बी फोर हो, बी का प्रयोग करते हैं। बी फाइव हो, कहीं क्या मतलब। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए बताइए, वॉइस कितने तरह का होता है? वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक। आप बताइए कि जब क्वेश्चन है V1 हो तो क्या करते हैं? जब एक्टिव वॉइस है V1 हो तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो और V2 हो तो क्या करते हैं? जब एक्टिव वॉइस है V2 हो तो वाज में आर का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा। हैज है वो तो क्या करते हैं? हैज है वो वाज में आर का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन और आप बता दीजिए। आई ईट ए मैंगो। ये क्वेश्चन है। आई ईट बाय मी। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बोलिए। चलिए, डायरेक्ट आपके लिए पैसिव बनाना है। पैसिव बनाइए आप। आई एम ईटिंग एन एप्पल। पैसिव बनाइए। Being eaten by me. ठीक। I am writing a story. चलिए, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। Voice कितने तरह का होता है? कौन कौन? Active voice, passive voice. एक बात बताइए, by हम किस में लिखते हैं? Active में कि passive में? पैसिव में लिखते हैं। बहुत अच्छा। क्वेश्चन में V1 रहता है तो क्या करते हैं? इज एम आर लगाते हैं। अगर V2 होता है तो वाज वेयर लगाते हैं। और हैज हैव रहता है तो क्या करते हैं? और V4 रहता है तो क्या करते हैं? बीन लगाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए। आई एम ईटिंग राइस। इसका पैसिव बनाइए। राइस इज बीइंग ईटन बाय मी। और अगर क्वेश्चन हो कि आई ईट राइस, तब क्या बनाएंगे? राइस इज ईटन बाय मी। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड।